Write the rhyming word. Think, pink, sink. Sing, king, ring. इसका इस प्रकार हम rhyming word लिखेंगे. Think अगर दिया गया है तो इसका हो जाता है आपका rhyming word pink और sing. उसी प्रकार sing, king और ring. Rhyming word मतलब नहीं, इसके pronunciation last में एक जैसा हो. Think, pink, sing, ing सिर्फ last में आ रहा है. उसी प्रकार हो गया sing, day, ring. नेक्स्ट हो गया फनी, बनी एंड सन. दो दो मैंने यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखे हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं राइमिंग वर्ड्स. चलिए अब हम देखते हैं. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. यह वीडियो क्लास थर्ड इंग्लिश पैराडिक टेस्ट फर्स्ट से रिलेटेड रिवीजन क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ 23-24 एग्जाम के लिए, जो कि अब एग्जाम होने ही वाले हैं बहुत सारे स्कूलों में, और कुछ स्कूलों में एग्जाम अभी अभी पैराडिक टेस्ट के संपन्न हुए हैं. तो चलिए क्लास थर्ड के बच्चों के लिए रिवीजन क्वेश्चन हम आगे देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग. नेम टू वर्ड्स इन द पोयम वर्ड टॉप. वर्ड टॉप पोयम से दो दो वर्ड्स हमें लिखना है. वर्ड टॉप से हमें टू वर्ड्स के नाम यहाँ पर लिखना है. यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको मैं सही कर देती हूँ. बी आई आर डी एस टू वर्ड्स जो पोएम में जिस दो वर्ड्स के वर्णन किए गए हैं उसके हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं. तो आंसर हो जाता है, द टू वर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जेम. दो चिड़ियाओं का नाम यहाँ पोयम में क्या था, रॉबिन रॉबिन एंड जय था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था. तो आंसर हो जाता है, देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड. क्योंकि नीना के घर में उसकी आंटी की शादी हो रही थी, होने वाली थी. नेक्स्ट है नंबर थ्री, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट. ओल्ड मैन कौन सा प्लांट थे कर रहे थे. द ओल्ड मैन प्लांटेड कौन सा प्लांट बो रहे थे. तो आंसर हो जाता है, द ओल्ड मैन प्लांटेड अ फ्यू टर्निप सीड. कुछ टर्निप सीड वो डाल रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाई वाज नीना वरी. नीना वरी क्यों थी, चिंतित क्यों थी नीना. तो नीना इसलिए चिंतित थी, नीना वॉज वरीड एज सी थॉट द बेबी स्पैरो वुड डाई विदाउट फूड इफ दे हैड लॉक्ड देयर होम एंड अटेंड द वेडिंग. नीना इसीलिए वरीड थी क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर बेबी स्पैरो को वह घर में बेबी स्पैरो मर जाएगी अगर वह फूड नहीं खाना नहीं खाएगी अगर वो घर को लॉक करके शादी में चली जाती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा राइमिंग वर्ड्स एंड ये जो भी हमने कर लिया है. एंड नंबर सी, मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस बाई री अरेंजिंग द गिवन वर्ड. इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं जो इसको सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है. नंबर वन में, नीना वरीड वॉज द अबाउट स्पैरो. तो इसको सही क्रम में हम लिख सकते हैं, नीना वॉज वरीड अबाउट द स्पैरो. इसी प्रकार नंबर टू, वी द चिल्ड्रन लव लिटिल. इसको सही हम अरेंज करेंगे तो हो जाएगा, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन. हम लोग छोटे बच्चों को प्यार करते हैं. नंबर थ्री, इट वेरी वॉज प्रिटी. करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट वॉज वेरी प्रिटी. नेक्स्ट, नीना अपसेट वॉज मदर. नीनाज मदर वॉज अपसेट. इसको हम रीअरेंज करते हैं, इस प्रकार सही क्रम में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसका हमको अपोजिट वर्ड लिखना है, जैसे हैप्पी, सैड, स्लोली, फास्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, माइटी, विथ, प्रीटी, अगली. नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस इस क्रम में आने वाले हैं. राइट द प्लूरल ऑफ गिवन
यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं उसके हमें प्लूरल बनाने हैं, जैसे आपका हो गया चाइल्ड का चिल्ड्रन, कैरोट, कैरोट्स, एस लगा के इसका हम कैरोट्स बना सकते हैं, पैरोट को पैटेटो, पोटैटोस, सॉरी स्पेलिंग गलत है, पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो हो जाएगा, तो पोटैटो का पोटैटोस ई एच लगा कर यहाँ पर प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट हो जाता है बुक, बुक का जो है एस लगा कर हम प्लूरल बनाएंगे बुक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइट द जंबल वर्ड, ये जंबल वर्ड दिए गए हैं जिसको सही करके मीनिंगफुल स्पेलिंग लिखना है, तो नंबर वन में हो जाता है एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू स्पैरो, इसको अरेंज करके हो जाएगा एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू स्पैरो, आर ए डी जी ई एन सही करके जंबल वर्ड हो जाता है जी ए आर डी ई एन गार्डन, नंबर थ्री डब्ल्यू ई आई एन जी डबल डी इसको सही करके हो जाएगा डब्ल्यू ई डबल डी आई एन जी वेडिंग, नंबर फोर बी आर आई डी बी आई आर डी बर्ड, नंबर फाइव एफ एल ओ ई आर डब्ल्यू सही क्रम में हो जाएगा एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेम द फोर वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, लास्ट वीक आपने कौन से फोर वेजिटेबल्स खाए हैं उसके नाम लिखने हैं, तो हो जाता है रेडिस, ओनियन, पोटैटो, बीन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर्कल द ऑड वन आउट, इसमें से एक सर्कल को हमें अलग करना है जो अलग है, जो इस क्रम में अलग है, तो चलिए पहला देखते हैं टर्निप पोटैटो टोमेटो सनफ्लावर, तो यहाँ पर आपका अलग हो जाता है सनफ्लावर, बिकॉज टर्निप पोटैटो एंड टोमेटो आपका वेजिटेबल्स है जबकि सनफ्लावर क्या है हमारा फ्लावर्स है, तो ये हमारा अलग हो जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखेंगे काउ हॉर्स गॉट फॉक्स एंड मैंगो, तो मैंगो हमारा अलग हो जाता है क्योंकि ये फ्रूट है जबकि काउ हॉर्स गॉट फॉक्स एनिमल्स है। नेक्स्ट नंबर थ्री बनियान नीम पीपल मैंगो स्नेक, ये सभी पेड़ के नाम हैं बनियान नीम पीपल मैंगो, जबकि स्नेक जो है ये अलग हो जाते हैं, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर रोज लिली सनफ्लावर लोटस कॉलीफ्लावर, ये चार अपने जो है फ्लावर्स हैं रोज लिली सनफ्लावर एंड लोटस, जबकि कॉलीफ्लावर हमारा एक वेजिटेबल्स है। नंबर फाइव पिकॉक पैरोट क्रो लिजर्ड वुडकीपर्स, पिकॉक पैरोट क्रो एंड वुडकीपर्स बर्ड्स हैं जबकि लिजर्ड्स ये अलग हो जाते हैं, तो दिस इज लेजर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन राइट द फाइव सेंटेंसेज ऑन ट्री, ट्री पर पांच सेंटेंसेज लिखना है। नंबर वन ट्री आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ट्री हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। टू दे गिव अस फ्रूट एंड वुड, वो हमें फल और लकड़ी देते हैं। नंबर थ्री ट्री प्रोवाइड अस शेड एंड प्रोटेक्शन, ट्री हमें छाया और प्रोटेक्शन देते हैं एंड प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोवाइड माने देते हैं रक्षा करते हैं, शेड मतलब छाया देते हैं जो गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं मदद करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर फोर ट्री गिव अस ऑक्सीजन, और पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है एंड सो। नंबर फाइव वी मस्ट ग्रो मोर ट्री, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करना चाहिए, ट्री लगाना चाहिए। तो ये थे आपके पैराडिक वन के इंग्लिश क्लास थर्ड के रिवीजन क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको यह कैसा लगा और आप क्या नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहेंगे। थैंक यू, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और अभी मैंने क्लास थर्ड इंग्लिश के पैराडिक टेस्ट के ईवीएस पेपर के क्वेश्चन मैंने डाउनलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, और नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट के भी अभी आने वाले हैं। थैंक यू।